हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थ्री। चैप्टर वन और चैप्टर टू हमने लास्ट वीडियो में एक साथ ही कर लिया था, एक ही वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास सेवेंथ का चैप्टर थर्ड। क्वेश्चन वन है, संसद और विधानसभाओं में कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग है? तो इसका आंसर होगा 33%। देखिए, वैसे तो 50% आरक्षित करने की मांग है, लेकिन आपकी बुक में 33% दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए महिलाओं का राजस्थान में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो दिया गया है 33% और मांग जो है वो 50% की है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषय का एक प्रार्थना पत्र है। जब जनता को कोई भी परेशानी होती है तो वो अपने न्याय के लिए न्यायालय में जनहित याचिका जारी कर सकता है, तो ये एक प्रार्थना पत्र है। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना है जिसमें उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने के लिए योजना चलाई गई है? तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव, महिला बाल कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो महिला बाल कल्याण के लिए जो योजना चलाई जा रही है वो है जननी सुरक्षा योजना। तो आपको याद रखना है कि जहां धन जुटाने के लिए योजना की बात की गई थी उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, लेकिन महिला बाल कल्याण के लिए जो योजना है वह है जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है, सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध किसने लगाया था? तो हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगाने वाले राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने 1829 ईस्वी में इसके लिए बहुत अधिक प्रयास किया था और कानूनी प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। जो भी स्त्रियां होती थी, जो विधवा हो जाती थी, तो उनको अपने पति के साथ जो है वहीं पर उन्हें सती होना पड़ता था। तो राजा राममोहन राय ने, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, तो उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगवाया। किसने विधवा विवाह के समर्थन में जागृति पैदा की? तो सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने, और विधवा पुनर्विवाह के लिए जो भी कार्य किए वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किए, उन्होंने इस समर्थन में जागृति पैदा की विधवा पुनर्विवाह के संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन एट, लैंगिक भेद क्या है? लैंगिक भेद क्या है? तो इसका आंसर है समाज द्वारा बनाया गया स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला भेद। ठीक है, लैंगिक भेद क्या है जिसमें कि समाज ने यह भेद जो है वो क्रिएट किया है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, तो स्त्रियों को स्त्रियों वाले काम करने चाहिए और पुरुषों को पुरुष वाले काम करने चाहिए, तो ये सभी समाज के द्वारा बनाया गया एक भेद है। नेक्स्ट है लिंग भेद क्या है? तो देखिए, जो प्रकृति ने बनाए हैं स्त्री और पुरुष में भेद, क्योंकि स्त्रियों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है, तो ये है लिंग भेद। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम लिंग भेद की बात करते हैं तो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, लेकिन लैंगिक भेद जो है वो समाज द्वारा क्रिएट किए गए हैं। आपके जो जब आप पैडागोजी करेंगे, जब आप शिक्षण विद्या करेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्प करेंगे, तो आपको एक एक वर्ड जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए उसी की तरीके से एक और वर्ड है लैंगिक संवेदनशीलता, जिसे हम लैंगिक समानता भी कहते हैं। अब ये क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना,
ये क्या है? लैंगिक समानता, कि भाई कोई भी स्त्री जो है वो पुरुषों के जैसा काम कर सकती है, पुरुष जो है वो भी स्त्रियों के जैसा काम कर सकते हैं, तो दोनों में कोई भी असमानता नहीं है, यही है लैंगिक संवेदनशीलता या लैंगिक समानता। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत है, तो कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.17%। ठीक है, याद रखना है 66.17%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत है 52.10%। बिल्कुल याद रखना है आपको, पॉइंट के बाद जो 10% है ये भी याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर है 79.20%। ठीक है, तो देखिए हमने कुल साक्षरता प्रतिशत वो था 66.17%, जिसमें महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 52.10 और पुरुषों की 79.20। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में सबसे कम साक्षरता है? तो राजस्थान में सबसे कम है जालौर में साक्षरता। ठीक है, जालौर में बहुत कम साक्षरता है। क्वेश्चन 15 है, भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? तो भारत का जो लिंगानुपात है पुरुष और महिलाओं के बीच जो अनुपात है वो 2011 के अनुसार क्या है? तो वो है 1,000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं। ठीक है, महिलाओं की संख्या कम है, यह 1,000 पुरुषों के ऊपर ही लगाई जाती है। तो कितना है? 1,000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं, ये भारत की है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं। ठीक है, याद रखना है अच्छे से, भारत में 943 भारत में ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में और भी कम है, 928 महिला प्रति 1,000 पुरुष। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। ठीक है, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। अब जो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि जो करंट जीके है वो आएगा या नहीं आएगा, तो वो इसी तरीके से पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। ठीक है, अब पूछा है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। महिला और बाल कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था पहले भी कि महिला बाल कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जननी सुरक्षा योजना है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर में है, लेकिन इसकी जो एक ब्रांच है वो जयपुर में भी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य में सम्मिलित है। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य में सम्मिलित है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा व रोजगार
और सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, तो ये क्या है, लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है 24, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है। ठीक है, 10 वर्षों में जो वृद्धि दर है वो कहाँ हुई है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर है, देखिए जो पहले जो टॉप 3 हैं यानी सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर में 32.5, उसके बाद जैसलमेर में 31.8% और जोधपुर की 27.7%। ठीक है, तो पहले दो जो हैं वो तो आपको याद ही होने चाहिए कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक बाड़मेर की है 32.5%, और जैसलमेर की 31.8% और जोधपुर की 27.7%। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर, जिसमें 1,000 पुरुषों के ऊपर 994 महिलाएं, उसके बाद राजसमंद 990 और उसके बाद पाली। ठीक है, पहले दो जो हैं वो आपको याद ही रखने हैं, सबसे पहले है डूंगरपुर जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है और उसके बाद है राजसमंद। तो आज हमने चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का, नेक्स्ट हम चैप्टर 4 करेंगे। नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू।